हेलो एवरीवन, दिस इज़ परूजन सिया। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बिखरा सा लड़का सलीके सी लड़की। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली से जिसमें पति पत्नी पर उनका एक बेटा था। स्कूलिंग जो है वो एक छोटे से गांव से होती है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो लड़का बाहर जाता है। फर्स्ट टाइम वो बाहर गया था, उससे पहले उसने कभी नहीं देखा था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, किसके साथ कैसे बात करनी है, उसके कुछ नहीं पता था। बस एक अनजान शहर में अकेला चला गया। कॉलेज स्टार्ट होता है, फर्स्ट दिन से जब कॉलेज जाता है तो रैगिंग वगैरह की शुरुआत होती है, लेकिन उसने तो कभी ऐसी चीज़ें फेस ही नहीं की थी कि रैगिंग वगैरह जैसा भी कुछ होता है। जब भी कॉलेज जाता तो उसे यही डर सताता था कि यार फिर से सीनियर पता नहीं आज क्या बोलेंगे, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, नहीं जाऊं तो माँ बाप का सपना कैसे पूरा करूंगा, अगर गया तो इनको कैसे झेलूंगा। उसे फर्स्ट ईयर में हॉस्टल तो नहीं मिला था तो उतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थी, अगर उसे हॉस्टल भी मिल जाता तो शायद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि हॉस्टल्स में तो सीनियर्स के साथ ही रहना पड़ता, तब तो उसे रात में भी परेशान करते। उसके साथ सिर्फ इतना इश्यू था कि हाँ उसे कॉलेज तक ही सीनियर्स परेशान करते थे, हॉस्टल बुलाते थे लेकिन वो नहीं जाता था, बोलता था कि भाई नहीं मैं नहीं आऊँगा। बड़ा परेशान रहने लगा, धीरे धीरे खुद ही अंदर घुटने लगा। कॉलेज में एक सीनियर थी जिसका नाम स्नेहा था। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उसने राज को देखा। जी हाँ, इस लड़के का नाम राज है जो अभी अभी गांव से आया। उसने राज को देखा तो उसे ऐसा लगा कि यार ये ज़्यादा परेशान है, और शायद सीनियर्स भी इसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो शायद इसकी मदद करनी चाहिए। स्नेहा जो है वो एक पावरफुल लड़की थी, उसकी फ्रेंड थी, उसकी रूममेट थी। हालांकि वो भी सीधी सादी थी लेकिन कोई उससे ज़्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसकी जो रूममेट थी उसका बॉयफ्रेंड पूरे कॉलेज का सबसे बिगड़ा हुआ नवाबजादा था, इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इसने आपको कुछ कह जाए। जब उसे सीनियर्स परेशान कर रहे थे, यानी राज को जब सीनियर्स परेशान कर रहे थे, तो स्नेहा ने उनसे जाके बोला कि ऐसा करो जाओ यहाँ से और इसे अकेला छोड़ दो। सीनियर्स उससे पूछ रहे थे क्यों, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें। इसने बोलते जब एक बार बोला ना जाओ यहाँ से, तो वो लड़के चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और उससे कुछ भी नहीं कहते। तो वो राज स्नेहा को थैंक यू बोलता है, थैंक यू मैम। तो स्नेहा बोलती है मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे स्नेहा बोल सकते हो, और अभी न्यू एडमिशन है ना। हाँ दी। तो हॉस्टल नहीं मिला। नहीं अभी नहीं मिला हॉस्टल। चलो शुक्र है तुम्हें हॉस्टल नहीं मिला, वरना तुम्हारी जैसी हालत है ना तुम्हें कॉलेज लायक भी नहीं छोड़ते ये लोग। कोई नहीं, सेकंड ईयर में हॉस्टल मिलेगा, जब तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ उम्मीद तो है कि शायद ठीक हो जाए। अरे कोई नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ एक बात पूछूँ आपसे, राज ने कहा। इसने बोले हाँ बोलो क्या हुआ। वो आपने मेरी मदद क्यों की, मैं तो आपको जानता भी नहीं। इसने बोले मुझे लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए तो मैंने कर दी, अगर मैंने ऐसा कुछ करके गलत किया तो आई एम सॉरी, आगे से नहीं करेंगे।
अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं पूछ रहा था क्योंकि यहाँ कोई भी मेरी मदद करने को राजी नहीं है और आप अचानक से मेरी मदद करने को आ गए। नहीं कोई बात नहीं है, इसने इतना कहकर चली जाती है। राज डेली की क्लास रूटीन लेता है, फिर रूम पर चला जाता है, माँ बाप से बात करता है, बोलता है कि यहाँ बहुत परेशान करते हैं सीनियर्स और मेरे से नहीं राज आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे तो पढ़ भी नहीं पाऊँगा, और बहुत मेंटली स्ट्रेस रहता है, मम्मी मैं आ जाऊँ क्या? तो मम्मी बोलती है कि बेटा कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, आप कॉलेज कर लोगे तो अच्छी जगह नौकरी कर पाओगे, पैसा कमा पाओगे, तो कम से कम हमारी तरह गरीबी में ज़िंदगी तो नहीं कटेगी ना। तो राज बोलता है ठीक है मम्मी, मैं यहीं रहूँगा। राज को इसने अच्छी लगने लगती है, वो कॉलेज जाता है तो स्नेहा को देखता है तो उसे देख के अच्छा लगता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्नेहा से कुछ कह जाए। और उसे ये भी याद है कि उसने डर के मारे फर्स्ट डे स्नेहा को दी बोला था, लेकिन चलो वो इस सब को तो भूल भी जाए, लेकिन अगर स्नेहा ने कोई रिएक्ट किया तो उसका कैसे जवाब देगा? इसने अब वही लड़की है जिसने उसे रैगिंग करने से बचाया, अगर इसने सबसे बोल दिया कि इसकी अच्छे से रैगिंग करो तो मेरा क्या होगा? राज इतना सोचते सोचते क्लासरूम की ओर चला जाता है, क्लासेस लेता है, क्लास कंप्लीट हो जाती है, शाम को घर जाने लगता है तो उसे स्नेहा फिर से रोक लेती है कि सुनो राज। राज बोलता हाँ स्नेहा। तो स्नेहा बोलती क्या, आपको ये भी नहीं पता सीनियर से कैसे बोला जाता है? वो सॉरी वो अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अरे थोड़ा तो इज्जत करो यार, हम सीनियर हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ तो कैसा रहा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं 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 किसी ने कुछ नहीं कहा। चलो कैंटीन चलें? हाँ लेकिन क्या? लेकिन स्नेहा ने कहा। तो राज बोला वो चलो। तो स्नेहा बोलते क्या हो गया, नहीं मन है तो कोई नहीं रहने दो। अरे नहीं नहीं चलो चलो। तो स्नेहा और राज दोनों कैंटीन की ओर जाते हैं, थोड़ी देर में कैंटीन पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। स्नेहा ने बोला क्यों आपने अपने लिए कॉफ़ी नहीं मंगाई? तो राज बोला नहीं मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, और फिर कॉफ़ी तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। हाँ तो और कुछ खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी, स्नेहा ने बोला। राज नहीं नहीं कोई नहीं, वो घर जा के मैं खाना बना लूँगा, और शाम हो गई है तो फिर खाना तो वैसे भी खाना पड़ेगा, अभी मैंने यहाँ कुछ खा लिया तो फिर मैं वहाँ कुछ नहीं खा पाऊँगा। स्नेहा बोलते अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट बना लेना या खाना बना लेना, थोड़ा लेट खा लेना, चलो कुछ खा लो। तो स्नेहा जो है एक पेटीज का ऑर्डर उसके लिए कर देती है, अगर भैया एक पेटीज देना और अच्छी से देना मसाले वाली। जी दीदी, उधर से कैंटीन वाला बोलता है। अब राज को टेंशन हो रही होती है कि यार अब ये साला 30-40 रुपए की कॉफ़ी होगी और 20-30 रुपए की पेटीज, मतलब मुझे महीने का खर्चा भी चलाना है और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे। राज बस सोच रहा ही होता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। इतने में स्नेहा की कॉफ़ी और राज की पेटीज आ जाती है, दोनों बातें करने लगते हैं और राज पेटीज खाने लगता है, इसने कॉफ़ी पीने लगती है।
दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। जब स्नेहा पूछती है राज से कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तो राज बोलता है कि मेरी मम्मी पापा और मैं। मैं रोहतक के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से आया हूँ। हम बहुत गरीब हैं और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो मैं यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, कॉलेज कंप्लीट कर रहा हूँ। वो पूछता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो स्नेहा बताती है कि मॉम, डैड, भाई और मैं। डैड मिलिट्री में थे कुछ टाइम पहले शहीद हो गए हो। तो राज बोलता ओ आई एम सॉरी। तो स्नेहा बोलते नहीं कोई बात नहीं है, अभी माँ भाई और मैं ही हूँ। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, वहीं एक छोटा सा घर है हमारा, मतलब गरीब तो नहीं बोल सकते लेकिन अमीर भी नहीं बोल सकते। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो जॉब सर्चिंग, कहीं जॉब लगती है तो जॉब वगैरह ये वो। भाई मेरे इंडियन नेवी में है और मॉम हाउसवाइफ है। राज बोलता है ओके। धीरे धीरे दोनों अपना पेटीज़ और कॉफ़ी फिनिश करते हैं तो बिल देने की बारी आती है। तो राज बिल देने वाला होता है, स्नेहा बोलती नहीं आप बिल मत दो, मैं दे देती हूँ। तो बोलता है कि नहीं कोई नहीं मैं दे दूँगा। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैं दे दूँगी। स्नेहा पैसे निकाल के देती है कैंटीन वाले को और बोलते लो भैया आप पैसे काट लो। तो कैंटीन वाला जो है 100 में से 40 रुपये रिटर्न कर देता है, मतलब 60 रुपये उनका टोटल होता है। दोनों वहाँ से चल देते हैं। धीरे धीरे दोनों बाहर आते हैं और स्नेहा हॉस्टल की तरफ चली जाती है और राज जो है अपने रूम की तरफ आ जाता है। रूम पर आने के बाद राज को खाना भी बनाना होता है, लेकिन राज का पेट क्या कुछ भरा हुआ था, पीपीटीज खाया था उसने, तो वो सोच रहा था कि छोड़ो यार बाद में बनाया जाएगा खाना, अभी जो है मन नहीं है तो अभी नहीं बनाता हूँ। तो राज खाना नहीं बनाता है और स्नेहा के ख्यालों में ऐसे ही डूब जाता है और बेड पर लेट जाता है। ऐसे ही करते करते रात के 10 बज जाते हैं। उसे थोड़ी भूख लग रही होती है लेकिन वो सोचता है कि यार 10 बज गए अब क्या खाना बनाया जाएगा, तो सो जाता हूँ, सुबह जल्दी बना लूँगा और सुबह खा लूँगा। तो ऐसे करके वो सो जाता है, सुबह हो जाती है। राज स्नेहा को मनी मन चाहने लगा था, वो हर पल सोचता कि कैसे इस बारे में स्नेहा से बात की जाए, क्या मैं उसे प्रपोज कर दूं। अगर उसने मना कर दिया तो 2 दिन हंस के ही तो बात की है। एक मन कहता है कि शायद हो सकता है वो भी मुझे पसंद करती हो, तभी तो पूरे कॉलेज को छोड़ के सिर्फ मेरे से ही बात करती है वो। राज इस असमंजस में ही रहता है, सुबह नहा धो के खाना वगैरह खा के कॉलेज आ जाता है, क्लासेस लेता है अपनी। आज स्नेहा को ढूंढ रहा होता है तो स्नेहा कॉलेज में नहीं होती है, तो उसे लगा कि शायद हो सकता है आज वो कॉलेज नहीं आई हो, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था। तो वो ऐसे ही अपना मन महसूस कर रह जाता है और कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो अपने घर चला जाता है, रूम पर। रूम पर जाने के बाद वही
खाना वगैरह बनाना होता है, लेकिन आज वो फिर से खाना नहीं बनाता है। उसे बस यही बात खाई जा रही है कि आज स्नेहा कॉलेज क्यों नहीं आई, क्या वो घर चली गई या कोई बात तो नहीं हो गई, कल तो अच्छी वाली बात कर रही थी। उसने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया था कि वो कल नहीं आएगी। अरे यार, कम से कम उसे इतना तो बताना चाहिए था कि यार वो कल नहीं आएगी। अब मैं किससे जाके पूछूं कि इसने कॉलेज क्यों नहीं आई। सोचता रहता है, अपने आप से बड़बड़ाता रहता है, बातें करता रहता है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, रात हो जाती है और वो बिस्तर में चला जाता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। उसके मन में तो बस एक ही बात चल रही थी कि स्नेहा आज कॉलेज क्यों नहीं आई। उससे एटलीस्ट उसे बताना तो चाहिए था। ऐसे करते 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 रात के 2 बजते हैं 3 बजते हैं, सुबह होने वाली थी, लेकिन उसकी आंख एक पल को भी नहीं लगी थी। आंखों में नींद झुक रही थी, लेकिन दिल में उमड़ रहे सैलाब के आगे आंखों की कहाँ चलने वाली थी। सुबह हो गई, उठा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, खाना बनाया, और खाना जो यूँ थोड़ा मोड़ा खाना खाया और खा के कॉलेज के लिए चला गया। और वो बस इसी उम्मीद में था कि शायद आज स्नेहा मिल जाए। तो वो सबसे पहले क्लासरूम में जाने की बजाय वो स्नेहा को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा था। कभी सीनियर्स की क्लासेस में जाता, तो कभी कैंटीन की तरफ, तो कभी कॉरिडोर में, लेकिन स्नेहा उसे आज भी नहीं मिली। आज उसने पूरी क्लासेस मिस कर दी। ऐसे करते करते उसे शाम हो गई और वो फिर से रूम की तरफ आ गया। आज फिर से उसने खाना नहीं बनाया और बिस्तर में पड़े पड़े ही हुई, आंख लग गई, उसे पता नहीं चला। लेकिन मुश्किल से 1-1.5 घंटे सोया होगा, उसके बाद वो फिर से जग गया। सोचता रहा, इसी तरह फिर से सुबह हो गई, नहाया धोया, खाना खाया जैसा वैसा, और फिर से कॉलेज के लिए चल दिया। जैसे ही कॉलेज पहुंचा, तो कॉरिडोर के पास उसे स्नेहा मिली। तो स्नेहा के पास जाते ही वो एकदम गुस्से में उससे बोला कि तुम पागल हो, मैं 2 दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है, कहाँ हो, क्या नहीं हो, कैसी हो, कैसी नहीं हो, 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया, ठीक से सोया भी नहीं, तो बता के नहीं जा सकते कि मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। स्नेहा शॉक हो गई कि यार ये ऐसे कैसे बात कर रहा है मेरे से। तो स्नेहा बोलती, हू द हेल आर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस प्रकार बात करने की। राज सिवक जाता है कि यार मैंने ऐसे कैसे स्नेहा से बात कर ली, मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ उससे। वो डरा हुआ सहमा सा वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और क्लासरूम में जाके चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन उसका मन कहाँ लगने वाला था। लंच हुआ तो फिर से आया वो, कैंटीन गया कि शायद स्नेहा होगी। कैंटीन में उसे स्नेहा मिली तो उसने बोला कि आई एम सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसे बोल गया ऐसे, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, पर
वो मैं आपको ही जानता हूँ ना यहाँ पे पूरे शहर में, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। तो आप नहीं मिले तो मुझे अजीब सा लगा कि पता नहीं कहाँ चली गई, कैसे क्या हो गया। बाकी का ऐसा कुछ नहीं था, आई एम सॉरी। तो श्रेया बोलती है, आई एम सॉरी जो, मुझे भी आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और फिर से कैंटीन में कुछ खाने को बैठ जाते हैं। राज मना कर रहा होता है तो स्नेहा बोलती, कोई बात नहीं है, पेमेंट आप कर देना, लेकिन खिला तो दो मुझे कुछ। तो राज पूछता है, अच्छा हाँ ठीक है, आप क्या खाओगे? स्नेहा बोलती है, मैं सैंडविच खाऊंगी। सैंडविच का रेट उसमें 80 था। हाँ सोच रहा यार 80 रुपये का फिर कैसे। तो वो कैंटीन वाले भैया को ऑर्डर करता है कि भैया एक सैंडविच, एक सैंडविच, इसने बोलते। तो राज बोलता, हाँ क्यों आप ज़्यादा खाओगे? अरे बोले मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी लेकिन आपके लिए। बोले नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है? सुबह जब मिले थे जब तो बोल रहे थे कि मैंने 2 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे सुबह, इसने आने बोला। अरे नहीं, वो तो मतलब नहीं खाया था, वो मतलब अब भूख नहीं है मतलब मेरे को। अरे यार क्या मतलब लगा रखा है? जब बोला है ना साथ में खाएंगे, तो ऐसे थोड़ी मैं अकेले खाऊंगी, अभी तो खाओगे ना। तो इसने जो है वो दूसरा सैंडविच ऑर्डर कर देते। अरे भैया एक सैंडविच और। कैंटीन वाले भैया बोलते हैं, ठीक है दी। दो सैंडविच आ जाते हैं, दोनों खाने लगते हैं। लेकिन राज को इस बार सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि यार ये तो 160 का हो गया, उस दिन तो 60-70 का ही था, डायरेक्ट 100 बढ़ गया, मैं क्या करूँ अब। ये सब चल रहा था उसके दिमाग में, तो पेट में कहाँ सैंडविच जाने वाला था। लेकिन जैसे तैसे करके खाए जा रहा था। इसने आप पूछ रहे थे, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा क्या सैंडविच? राज बोलता है, नहीं, अच्छा है। वो तो मैं कुछ सोच रहा था, मैं कैसे आपसे ऐसे बात कर सकता हूँ, आप तो मेरे कुछ लगते भी नहीं हो, ये वो। राज जो वो कटाक्ष में बोल रहा था। इसने आप बोलती, अरे नहीं, ऐसा किसने बोला कि मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ? हाँ फ्रेंड है ना, मैं एकदम अच्छे फ्रेंड है, देखो मैं कॉलेज में किसी से बात नहीं करता, क्या आपकी से बात? हाँ तो वो तो मैं भी नहीं करता, राज बोलता। तो इसने बोलते, हाँ ठीक है ना, तो मैंने क्या कुछ बोला आपसे? दोनों इस तरीके से मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। सैंडविच ख़त्म होता है, जाने की बारी आती है। तो राज पेमेंट करता है, तो स्नेहा बोलती, नहीं कोई बात नहीं, मैं पेमेंट कर दूँगी। स्नेहा पेमेंट कर देती है और दोनों जो है कैंटीन से बाहर निकलते हैं। दोनों अपने घर की तरफ जाने वाले होते हैं, तो स्नेहा हॉस्टल की तरफ चली जाती है, राज अपने रूम की तरफ चला जाता है। राज का रूम हॉस्टल के पास में ही था, मतलब कॉलेज के मेन कैंपस से बाहर निकलते तो थोड़ा पास में ही उसका रूम था। तो आज तो राज को वैसे भी भूख नहीं लगनी थी, पहला तो सैंडविच खाया, ऊपर से उसने स्नेहा से बात की, इतनी मीठी मीठी इतनी प्यारी प्यारी बात की कि भूख लगने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो वही बात हो गई ना कि अभी नींद नहीं आ रही है, जब वो मिलेंगे तब चैन से सोएंगे। लेकिन ये कहाँ पता है कि जब वो मिलेंगे तो कहाँ सो पाएंगे। तो राज आज फिर से खाना नहीं बनाता है, इसने आके ख्यालों में बेड पे पड़ा रहता है। कब उसे नींद आ जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि वो 2 दिन से पहले ही नहीं सोया हुआ था, बहुत थकान थी, तो बिना खाए ऐसे ही सो जाता है। सुबह होती है, वही डेली रूटीन, नहाना धोना, खाना पीना खा के, और फिर से कॉलेज। कॉलेज पहुंचता है,
तो इसलिए उसका इंतज़ार कर रही होती है। इसने राज से पूछी, राज राज बोलता, हाँ आज इतना लेट कैसे हो गए, तुम तो वैसे लेट नहीं होते, टाइम से आ जाते हो। अरे नहीं, वो खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। बोले तुम खुद से क्यों खाना बनाते हो, बाहर से भी खा सकते हो। नहीं वो कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है खुद के हाथों से खाना, मुझे नहीं पसंद किसी के हाथों से खाना। अच्छा मतलब मैं भी बनाऊंगी तब भी नहीं खाओगे आप। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसे ही, मतलब हाँ खाऊंगा ना, क्यों नहीं खाऊंगा। अरे क्या बोल रहे हो, अच्छा नहीं है, हाँ हूँ खाऊंगा नहीं खाऊंगा, मतलब सब कुछ एक साथ लेना चाहते हो। अरे नहीं नहीं मतलब मुझे बाहर का नहीं पसंद है, आप बनाओगे तो क्यों नहीं खाऊंगा मैं। दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो स्नेहा बोलती है राज से कि राज चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, आज मन नहीं है पढ़ने का। तो राज तो पहले ही उतावला था, उसे तो पहले से इंतज़ार था कि स्नेहा के साथ घूमे फिरे बैठे बात करे, उसे अपनी सारी बातें बताए जो वो यहाँ किसी को नहीं बता सकता। तो कहानी का पार्ट वन यहीं ख़त्म होता है। अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। हम सेकंड पार्ट की तैयारी करते हैं। थैंक यू।